इस पे आने के पहले मैं आपसे यहाँ अभी समय होता तो थोड़ा और एक्सरसाइज करता, अभी सीधे आपसे पूछता हूं कि एक रिलीजियस आदमी जो है उसके दो सबसे प्रमुख एट्रीब्यूट्स क्या है? कैन यू स्पेल इट आउट? टू मोस्ट प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट्स। कोई आदमी जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उसके पास दो चीजें क्या होनी चाहिए? चलिए मैं ही बता देता हूं आपको, इंटीग्रिटी और कंपैशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल रिलीजन्स, बेईमान आदमी धार्मिक कैसे हो जाएगा? जिसके पास इंटीग्रिटी नहीं है वो धार्मिक कैसे हो जाएगा? तो इंटीग्रिटी और कंपैशन, नेक्स्ट, ये दो चीजें हैं जो अंडरलाइन करती हैं, एक्चुअली ये डिफाइन करती हैं परमात्मा को। परमात्मा के ट्रेट्स हैं इंटीग्रिटी, वो खंड खंड नहीं होता, वो एक है, वो समग्र है। नहीं, प्लीज गो बैक। वो समग्र है और वो कंपैशन से भरा हुआ है सारी सृष्टि के लिए, सबके लिए। और हम, आप मनुष्य जो उसके नुमाइंदे हैं इस पृथ्वी पर विचरने वाले, हमें ये दो एट्रीब्यूट्स अपने अंदर धारण करने होंगे अगर हम उसके नुमाइंदे हैं तो, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन। माइंड यू, एक थोड़ा सा भी गया वी बिकम लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो सारे धर्म संसार के सिखाते कि हम सत्यनिष्ठ हों और हम सद्भाव से भर जाएं, फिर इस निधर्मी होने का क्या मतलब हुआ? फिर इसको छोड़ करके इससे निरपेक्ष कैसे हो जाएं और क्या बने, क्या बनने की आवश्यकता है? सच बात तो यह है कि इतने में ही सारी बात साफ हो जाती है कि वो मेरा धर्म, वो हर धर्म इस पृथ्वी का जो सत्यनिष्ठा और सद्भाव सिखाता है, उससे अलग होने की, उससे दूर जाने की, उससे डरने की जरूरत क्या है? उसे तो धारण करने की आवश्यकता है, फिर कोई आवश्यकता, कोई डर नहीं बचेगा समाज में। सच बात तो है, गवर्नेंस की भी जरूरत नहीं बचेगी अगर एक बार ये सृष्टि, ये लोग, हम वैसे हो जाएं जैसा कि धर्म सिखाता है, तो बिना सरकार के काम चलेगा और शायद बेहतर चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें एक बात मैं बताऊं, कोट करूंगा आपको, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण शरीर छोड़ने वाले हैं, उद्धव उनके पास गए और उनसे पूछते हैं, लंबा डिस्कोर्स देते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वो कहते हैं मुझे बस संक्षेप में बता दीजिए, करूं क्या, इतना लंबा आपने बता दिया, तो टेल मी इन ब्रीफ व्हाट टू डू। और वो कहते हैं, मद भाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्तिभे, मेरी भावना करो सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में, मन से, वचन से और कर्म से। आप मुझे बताओ, इस उद्घोष को छोड़ करके कुछ और हमें धारण करने की जरूरत पड़ी क्यों? इसलिए कि इसे ये याद नहीं रहा। अगर ये याद होता, मद भाव सर्वभूतेषु, अरे हिंदू मुसलमान छोड़ो, यहां तो इसकी भी फ्रीडम नहीं है कि तुम मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इनैनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनका तिरस्कार कर दो, चींटी चींटे इनका तिरस्कार कर दो, इसकी भी इजाजत नहीं देता धर्म। और हमसे कहते हैं इस धर्म को छोड़ के निरपेक्ष हो जाओ, निधर्मी हो जाओ, कहीं कोई खम, कहीं कहीं खोट, कहीं कोई ऐसी बात हुई है इस देश में और समाज में जिसने चीजों को बिगाड़ा है। और आप जो यहां आज इस सभागार में बैठे हो, मैं आपसे बड़ी उम्मीदें ये करता हूं, क्योंकि ये सही बात जब तक बाहर नहीं जाएगी निकल करके इस देश के एक एक व्यक्ति के हृदय में, तब तक ये उपद्रव चलेगा।